खुशी के लिए योग, नाद योग। आधुनिक विज्ञान आपके सामने साबित कर रहा है कि यह सारा अस्तित्व एक कंपन भर है। जहां कंपन होता है वहां ध्वनि होनी ही है, इसलिए यह सारा अस्तित्व एक ध्वनि है। ध्वनियों के इस जटिल संगम की मूल ध्वनियां हैं आ, ऊ एंड ं। आप अपनी जीभ का इस्तेमाल किए बिना सिर्फ यही तीन ध्वनियां मुंह से निकाल सकते हैं आ, ऊ एंड म। अपने मुंह के गड्ढे में अपनी जीभ को अलग अलग जगहों पर रखते हुए आप इन तीन ध्वनियों को मिला सकते हैं और तमाम दूसरी ध्वनियां बना सकते हैं। आ, ऊ और ं उन तमाम ध्वनियों का आधार है जिनका आप उच्चारण कर सकते हैं। इन्हें मूल ध्वनियां या सार्वभौमिक ध्वनियां कहा गया है। अगर आप इन तीन ध्वनियों को साथ बोलें, आम ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारा तंत्र सिर्फ इन तीन ध्वनियों को ही कुदरती तौर पर उत्पन्न कर सकता है। अगर आप इन तीन ध्वनियों को सचेत होकर और सावधानी से उच्चारण करें तो आपके शरीर के विभिन्न पहलू सक्रिय और ऊर्जावान हो जाते हैं। आप ध्यान देंगे कि अगर आप आ ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो कंपन नाभि से ठीक नीचे होता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है, क्योंकि यहीं पर सभी 72,000 नाड़ियों या ऊर्जा के माध्यम मिलते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। यह शरीर का रखरखाव केंद्र है। आ ध्वनि का उच्चारण इसे मजबूत करता है। अगर आप ऊ ध्वनि का उच्चारण करें तो आपका ध्यान उस बिंदु पर जाएगा जहां पसलियां मिलती हैं। उसके ठीक नीचे एक नर्म स्थान होता है। यहां से कंपन शुरू होता है और ऊपर की ओर जाता है। जब आप ं ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो कंपन आपके गले के गड्ढे से शुरू होता है और शरीर के ऊपरी हिस्से में फैल जाता है। अगर आपकी सामान्य संरचना कमजोर है तो आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, खासकर जिन बच्चों में ध्यान के अभाव की कमजोरी होती है। रोजाना कुछ मिनट इन ध्वनियों के उच्चारण से बहुत फर्क पड़ता है। इन ध्वनियों के तमाम फायदे हैं। अगर आप किसी मनोवैज्ञानिक अशांति जैसे अत्याधिक डर, बुरे सपने या अस्थिर मन या शरीर जैसी चीजों से पीड़ित हैं तो ये ध्वनियां आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। इन तीन मूल ध्वनियों का उच्चारण आपके फेफड़ों के तीन भागों को अलग अलग सक्रिय करता है, जो बदले में शरीर के तीन मूल भागों निचले, मध्य और ऊपरी को क्रियाशील करता है। यह आपके अस्तित्व की एक सुखदता या एक आनंदपूर्ण अस्तित्व के लिए जरूरी नींव डालता है। पालथी मारकर बैठें, अपनी हथेलियों का सामने का हिस्सा ऊपर की ओर रखते हुए उन्हें अपनी जांघों पर रखें। अभ्यास शुरू करने से पहले ध्यानपूर्वक निर्देशों को सुने। अपने मुंह को अच्छे से खोलकर ध्वनि का उच्चारण करें। ध्वनि में पूरी तरह सांस छोड़ें। हम इसे 7 बार करेंगे। फिर अपने होठों को गोलाकार बनाकर ओ ध्वनि का उच्चारण करें। इस ध्वनि में पूरी तरह सांस छोड़ें। इसे भी हम 7 बार करेंगे। फिर अपने मुंह को बंद करते हुए ध्वनि का उच्चारण करें। आप 7 बार ं का उच्चारण करें। ऐसा करते हुए ध्यान दें कि कंपन शरीर के किस हिस्से में हो रहा है। आ ध्वनि आपके नाभि के पास, ओ ध्वनि पसलियों के मिलने के बिंदु पर और ं ध्वनि आपके गले के गड्ढे के आसपास कंपन उत्पन्न करती है। चलिए अब साथ मिलकर इसे करते हैं। अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए रीढ़ को आरामदेह मुद्रा में सीधा रखें। कृपया अपनी आंखें बंद करें। आ...
Oh.
धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आनंद कभी कभी घटने वाली घटना नहीं है, ये कोई उपलब्धि या सिद्धि भी नहीं है। इसे आपके जीवन का कुदरती परिवेश होना चाहिए। जब आप आनंदित रहते हैं तो आपका पूरा जीवन एक उत्सव बन जाता है।